जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में समाजस्थ पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देव अधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर सात बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देव अधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। तीन या चार प्रदोष करोगे तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त होगी, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है खड़ा धना, गुड़, ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना तो सासू माँ बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था,